Hello. Good evening, everyone. Good evening. Firstly, thanks for बोलना चाहूँगा मी उद्योजन पोनारज मेरा मराठी थोड़ा खराब है बट मैं लर्न कर रहा हूँ थोड़ा सीरियस देखते हुए मेरी वाइफ के साथ मैं 40 साल से बेलापुर में हूँ मुंबई में यहाँ पर ही मैंने सभी कुछ सीखा है और सभी कुछ यहाँ पे पाया है तो मुंबई वैसे भी ड्रीम शहर बोलते हैं तो वो ड्रीम मैंने यहाँ पे पाया है एक ही स्मार्ट मूव किया मैंने क्योंकि जब मैं यहाँ आया था सभी स्कूल में मेरा संस्कृत लिया गया था तभी और मैं चेन्नई से डायरेक्ट आया था और वहाँ पे संस्कृत होता है स्कूल्स में तो मैंने वो ली और दिक्कत होने पे मैंने एक ही स्मार्ट मूव किया कि मैंने शादी महाराष्ट्र से की है मेरी वाइफ का सरने में बोले और वो रत्नागिरी साइड से है और आप लोग का एक नेक्स्ट सेशन अमित बाकी जी ने अभी जस्ट बोला है कि वो रत्नागिरी में रखना चाहेंगे तो मैं एक्चुअली मैं वहां का नेटिव जाऊंगा वापस और थैंक्स अमित बाकी जी यहाँ मुझे बुलाने के लिए पहले वरदान सर ने काफी सेट कर दिया है टोन मेरे हिसाब से हमको एक ही चीज दिखता है बॉम्बे में कि काफी लोगों को पीछे से आगे बुला लेते हैं क्या रीजन है जो पीछे बैठते हैं क्यों आगे नहीं आना चाहते हैं क्या रीजन होगा देखिए यहाँ पे तो जो सेशन हो रहा है सभी मोटिवेशन वाला स्पीच तो दे देंगे मोटिवेशन आपके अंदर से आना पड़ेगा मैं भी दे दूंगा आपको ताली बजा देंगे पर आगे बढ़ने का काम कौन करेगा आवाज नहीं आ रही सेल्फ तो सोचिए कि मैं मोटिवेशन स्पीच ये दे देंगे अगला स्पीकर भी बात कर लेंगे मैं भी बात कर लूंगा मोटिवेशन जो है आपके अंदर से आना पड़ेगा आपको आगे मूव करना पड़ेगा जितने लोग पीछे बैठे थे उनको काफी लोगों को उन्होंने बुलाया तब आ रहे हैं आप सोचिए कि यहाँ पे जितने लोग आए हैं वो इतना कीमती टाइम निकाल के आए हैं कि इसमें से कुछ घर पे लेके जाएं जिसकी वजह से आगे बढ़ सके लाइफ में बिजनेस में बढ़ सके और जितना फंडिंग चाहिए कितने लोगों को वो मिल सके वही रीजन है ना कि यहाँ पे एक ही मुद्दा है तो सब लोग एकजुट होके आए हैं इतने बारिश में रियली थैंक्स इतने लोग ऑडियंस आए हैं आज क्योंकि मैं स्टार्टिंग में अमित जी को मैसेज भी किया था कि यहाँ पे काफी लोग आएंगे क्योंकि बारिश बहुत है सुबह से तो रियली थैंक्स आप लोगों ने काफी कीमती समय निकाला एक ही चीज है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कितने साल से है आपको पता है 149 आप सोचिए कि एशिया का सबसे ओल्डेस्ट बोर्सेस बोलते हैं और आज शेयर बाजार में जो नाम फरजान देने लिया रिलायंस है टाटा है बिरला है सभी कंपनियां कहां लिस्ट हुई में जो आज इकोनॉमी का बोल रहे हैं $3 trillion अभी और सेंट्रल साइड में मोदी जी बोल रहे हैं कि $5 trillion और $10 trillion इकोनॉमी होगा ये शुरुआत कहां से हुई सर आवाज नहीं आ रही सर यस सर तो ये कैपिटल मार्केट जो शब्द है स्टार्ट और सिखाया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट है तो यहाँ पे जो शेयर बाजार है या इक्विटी है इक्विटी फंडिंग के बारे में बीएससी ने शुरुआत की और आज के तारीख में जब मैं बात करने आया हूँ ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस प्लेटफॉर्म के बारे में ये हमने शुरू किया है 2012 में 13 मार्च आज 11 साल कंप्लीट हो गए हैं इसमें 443 कंपनी लिस्टेड है और उन्होंने करीब करीब 5,200 करोड़ पैसे फंडिंग यहाँ प्लेटफॉर्म से लिया है आज की उसकी वैल्यूएशन है 74,000 करोड़ दैट्स द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑल दिस 443 कंपनीज लिस्टेड ये जितने भी कंपनी आई है स्मॉल से स्मॉल कंपनी आई है 4.5 करोड़ का टर्नओवर वाला कंपनी आई है हमारे से क्लारा इंडस्ट्रीज करके यूपी से कंपनी आई थी 38 लाख का नेट प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये कंपनियां लिस्ट हुई है दिसंबर 2021 में तो जब 4 करोड़ का टर्नओवर होगा बैंक में जाएंगे मुझे नहीं लगता है कि उसमें 4 करोड़ की फंडिंग आ सकती है पहले तो बोलेंगे क्या देंगे कोलैटरल चाहिए बैंक में क्या चलता है बार्टर सिस्टम आपने जाके इनलिक्विड जो मॉर्गेज किया उसके बाद आपको करीब करीब 40 से 50 पेज में साइन लेंगे उसके बाद फंडिंग करेंगे गलत नहीं है उनका वर्किंग पैटर्न वैसा है तो उसी हिसाब से वो फंडिंग मिलती है तो क्या होता है कि वो लिक्विड कैश लेते हैं जिसके रख के आप बिजनेस चलाते हैं सही है ना तो एक तो वो वहां पर जाके किसी ने भी सवाल किया है कि सर ये बैंक से लोन ले रहा हूं ये सब मॉर्गेज कर रहा हूं रिस्क है कि नहीं है किसी ने पूछा कोई भी नहीं पूछा होगा क्योंकि आपको पैसे चाहिए क्योंकि बिजनेस चलाना है तो कैपिटल मार्केट आने के बाद क्यों पब्लिक को टेंशन होता है यहां तो जितना भी आपका एसेट है कंपनी में रहेगा प्रॉफिट भी आ रही है अगर आपने डिविडेंड दिया एक लॉयल कस्टमर के लिए आप पहली बार तो विजिबल हो जाते जब आप लिस्ट कर लेते हैं सेकेंड बेनिफिट क्या है
जितने भी प्रमोटर्स हैं जो सुन रहे हैं, जो करना चाहते हैं बिजनेस, उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिस तरह पहले भी बताया था उन्होंने, काफी बच्चे सिद्धि सुनकर कंपनी में आना नहीं चाहते, बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स टू वर्क विद अ लार्जर ब्रांड, उनको भी टाटा इंफोसिस बिरला उसी में जाना है। तो जब आप कंपनी में उनको भागीदार बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे? स्टॉक ऑप्शन देके। जब आप कंपनी लिस्ट करते हैं तो स्टॉक ऑप्शन देके आपके सिब्लिंग्स को भी बिजनेस में सेकेंड जनरेशन को भी आप ला सकते हैं एट अ रीजनेबल सैलरी। इवन अगर आपको अच्छे अच्छे टैलेंट मार्केट में मिल रहे हैं बट यू आर हैविंग अ हायर सैलरी बिकॉज ऑफ द क्वालिफिकेशन, आप उसको स्टॉक ऑप्शन करके भागीदार बनाइए, कंपनी का शेयर होल्डर बनाइए, स्टॉक ऑप्शन दीजिए। उसके थ्रू क्या होगा, कंपनी की नेक्स्ट लेवल ऑफ जो ग्रोथ होगा वो भी पार्टिसिपेट करेंगे आपके कंपनी में, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी एक तो लॉयल्टी और कंपनी की बढ़ोतरी भी होगी। ये सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है स्टॉक ऑप्शन, जिसको देख के आप अपने बच्चों को भी अपने बिजनेस में एक सक्सेसर प्लान बनाते हुए चल सके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड पॉइंट, आज के तारीख में हमारे पास कोलैटरल नहीं है सर, आगे बढ़ने के लिए मुश्किल हो रही है। ये जो शेयर्स है ये आपके लिए कोलैटरल के लिए काम करेगा, जिसको रख के आप जो है उसको लोन अगेंस्ट शेयर करके आप क्या कर सकते हैं, मार्केट से पूंजी जोड़ सकते हैं। तो आज के तारीख में आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, आपने शेयर नहीं क्रिएट किए, तो आगे जाके दिक्कत होगी कि नहीं होगी? होगी। इससे अच्छा क्या कर सकते हैं कि आज गवर्नमेंट ने, काफी गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट 5 लाख का सब्सिडी दे रही, तो काफी गवर्नमेंट ने आगे बढ़ के बोला है कि लिस्टिंग करना चाहिए, इक्विटी कल्चर को अभी बिल्ड करना चाहिए। जिस तरह फजान जी ने बताया, करीब करीब 4 करोड़ इन्वेस्टर्स आए हैं। अगर आप सोचिए कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, अगर आपने सुना होगा, उसमें करीब करीब मैंने 30 साल में से 24 साल मैंने काम किया है, उसमें अगर आप देखें, जब मैंने शुरुआत की 200-500 करोड़ रुपए का SIP करना बहुत मुश्किल होता था पूरा इंडस्ट्री को, आज 14,000 से 15,000 करोड़ का SIP बुक बन गया है इंडस्ट्री का। 42 लाख करोड़ जो है एसेट अंडर मैनेजमेंट का वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, आप सोचिए उसमें से 15,000 करोड़ मार्केट में आ रहा है, तो आप सोचिए कि 1,80,000 तो पैसा वैसे भी डायरेक्टली म्यूचुअल फंड जो है जितना लिक्विडिटी सब कर लेती है। जिस तरह FII का बात किया था प्रधान जी ने, तो उसमें जो पब्लिक खरीद रही है हायर लेवल पे भेजने आती है, तो म्यूचुअल फंड भी है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी है जो कि शॉप को ऑब्जर्व करती है ताकि मार्केट एक स्टेबलाइज फॉर्मेट में रहे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे निवेशक हैं या खुद भी देख रहे हैं, तो काफी कंपनियां लिस्ट होने आ रही है, उनको सपोर्ट भी कर सकते हैं इन्वेस्ट करके। आप प्लेटफॉर्म देखिएगा www.psa.com, उसमें जाके आप पब्लिक इश्यू वॉच में जाएंगे तो आपको कंपनियां कौन सी कौन सी आती है देख सकते हैं। और जितने लोग हैं, अगर आज लिस्टिंग क्राइटेरिया में मैच नहीं हो रही है, वो एटलीस्ट निवेशक बन गया, और एक जो एंटरप्रेन्योर आगे बढ़ के कंपनी को लिस्ट कर रहा है, उसकी गट फीलिंग और उसकी जो फियरलेस बिहेवियर है उसको सपोर्ट करने के लिए काम करेंगे तो आपका भी पैसा बनेगा। तो हमने कंपनी देखा है कि बॉम्बे बेस्ड कंपनी थी, उनको लिस्ट किया था हमने 2021 में, कंपनी का नाम नहीं ले सकता हमें, करीब करीब 37 रुपीज का। आप सोचिए कि उसका भाव आज के तारीख में करीब करीब 1100 रुपए है 2 साल में। तो काफी कंपनीज है, काफी कंपनीज है, बॉम्बे बेस्ड कंपनी है, 5.5 साल हमने पहले लिस्ट की थी, बॉम्बे बेस्ड कंपनी है, मोबाइल टावर में वो डील करते हैं मोबाइल टावर में, जब लिस्ट किया था उन्होंने 10 करोड़ का टर्नओवर था और 50 लाख नेट प्रॉफिट थी, आज के तारीख में 500 से 600 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का बॉम्बे बेस्ड, और मेरे सबसे गुलूडिया पांडुप साइड में उनकी कंपनी है। ये मैं जो बोल रहा हूँ ये गोवंडी या कौन सा जगह पे है कंपनी, जो 11 करोड़ का मार्केट कैप के 2 साल में, तो ये सब कंपनियां महाराष्ट्र से आई है। आउट ऑफ 443 142 कंपनीज आर कम फ्रॉम महाराष्ट्र और 130 कंपनियां आई है गुजरात से। तो आप सोचिए कि काफी लोग आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, हमको ये जो सेशंस कर रहे हैं आप, जो जज गुणारत और अमित बागे जी का जो अर्थ संकेत है, ये जो लोग ने मयाम शुरू किया है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको आगे बढ़ना है। हम तो आपको वापस गाइडेंस देंगे, स्पीच देंगे, मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको आगे बढ़ के नहीं करेंगे, जितना भी एफर्ट है व्यर्थ जाए, वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड एक्ट। तो जिस तरह आपको आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर ये प्लेटफॉर्म भी बड़ा नहीं बनेगा। 11 साल पहले हमारे लिए भी बहुत दिक्कत थी, आज प्लेटफॉर्म वाइब्रेंट हो चुका है, काफी लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए, उन्होंने साथ दिया और इन्होंने भी काफी कंपनियां लिस्ट की है, इस सबका सपोर्ट लगेगा इसमें, तो वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट नॉट द लीस्ट, कंपनी का एक तो कोलैटरल जैसे यूज कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड मैंने बताया कि स्टॉक ऑप्शन दे सकते हैं अपने बच्चों को भी अपने बिजनेस के इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। थर्ड मैंने बताया कि कंपनी का विजिबिलिटी हो जाएगी। लास्ट है कि जितने भी बैंकर्स आए हैं आफ्टर लिस्टिंग, हमने देखा है कि 1% to 2% का इंटरेस्ट रेट गिरावट आई है आगे जाके, जब भी उन्होंने वर्किंग कैपिटल या फर्दर लोन लिया।
क्या रीजन होगी, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंटली उनका बैलेंस शीट को देख सकते हैं अपलोडेड। पहले उनको पता नहीं होता है कि क्या होता है बैलेंस शीट में, क्या कर रहा है कंपनी, उनको फंडामेंटल्स भी पता नहीं चलता कि कंपनी लिस्ट हो चुकी है, क्या हो रहा है, एक्चुअल बैलेंस शीट दिख रही है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, कंप्लायंस कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगी। क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होने से क्या है कि आगे बढ़ के बैंक्स लोग अप्रोच कर रहे हैं उनकी। तो अभी आप सोचिए, एक कंपनी है कोल्हापुर बेस्ड कंपनी, उनका जब लिस्टिंग हुआ था, सिनर्जी ग्रीन, नाम ले सकता क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ वैसा बोल नहीं रहा हूँ, सिनर्जी ग्रीन जब लिस्ट हुई थी 2018 में, अब 18 करें कि 25 करोड़ का इश्यू साइज था, उसमें 14 करोड़ रुपया मैनचेस्टर इंटरनेशनल इन्वेस्ट किया, सचिन राजदों का प्रमोटर है। आप सोचिए कि वो फाउंड्री बिजनेस में, आप सोचिए जब तक वो कोल्हापुर बेस्ड कंपनी लिस्ट नहीं हुई तब तक एफआईआई का फंडिंग आया उस कंपनी में, अगर वो लिस्ट नहीं होती तो वो फंडिंग आता था। वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप विजिबल हो गए तो ऑटोमेटिकली पब्लिक पैसे डाल रही है। अभी रीसेंट केस इनो केस, चेन्नई बेस्ड कंपनी है रिवॉर्ड एंड रिक्रिएशन में, उस कंपनी ने लिस्ट की 80 करोड़ का वैल्यूएशन ऑलमोस्ट, उसी दिन 99.5% अप्रिसिएशन मिला, करीब करीब 155 करोड़ के ऊपर कंपनी की वैल्यूएशन एक ही दिन में बढ़ गई। अब उसके एचडीएफसी बैंक ने पैसे डाले। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप आगे नहीं आएंगे, इनिशिएटिव जो है वेस्ट जाएगा, तो आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, जितने एंटरप्रेन्योर लिस्ट कर रहे हैं, तो साइट मैंने बताया, वहां जाके देख के फंडामेंटल्स देख के इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको प्रोसेस कर सकते हैं कि आगे बढ़िए, हम भी फंड डालना चाहेंगे ताकि आपका भी कुछ पैसा बने। दूसरा है कि जितने लोग एलिजिबल हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करते हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आगे बढ़िए, मेरा नंबर अमित बागल जी से और ये कंपनी से लीजिए, ताकि मैं आपसे वन टू वन बैठ के डिस्कस कर दूं आपका बैलेंस शीट के साथ, तो आपके लिए कुछ फ्रूटफुल हो सकता है, तो हम इनिशिएटिव लेंगे और आपको रियली फैसिलिटेट करें। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कंप्लायंस हो गया, बेनिफिट हो गया आपको। लास्ट पॉइंट है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट है मार्केट मेकिंग, ये एसएमई प्लेटफॉर्म के लिए सेबी ने किया हुआ है, इसमें लिक्विडिटी विंडो क्रिएट करते हैं, जहां पे 75% ऑफ द मार्केट टाइम जितने भी ब्रोकिंग आम होगा, जो मर्चेंट बैंकर आपका लाएंगे या आपकी ब्रोकिंग फॉर्म कनेक्ट कर सकते हैं, वो बाय एंड सेल बिल डाल के खड़े रहेंगे। जितने लोग निवेशक ने आईपीओ में पैसा डाला, उनका पैसा अगर एग्जिट चाहिए, कुछ कंटिजेंसी प्लान है, कुछ हीट हो गया, घर में प्रॉब्लम है, अगर वो लिक्विडेट करना चाहिए चाहते हैं, उसके लिए लिक्विडिटी विंडो क्रिएट की है। तो इसमें 75% ऑफ द मार्केट टाइम, 9:15 से लेकर 3:30 तक मार्केट टाइम है, इसमें बिड डाल के खड़े रहने का कंपल्सन है, ताकि आपकी कंपनी लिस्ट होने के बाद कैसा पता चलेगा, कैसे निवेशक आएंगे, ये लिक्विडिटी के लिए विंडो भी क्रिएट किया है, ताकि उनको भी पता है इसमें ज्यादा लिक्विडिटी नहीं होगी। तो आज के दिन में 50-80 करोड़ का ट्रांजेक्शन एसएमई प्लेटफॉर्म में हो रहा है और उतना लोग देख रहे हैं और उसमें इतना बड़ा वेल्थ क्रिएशन हुआ है, जो मैंने आगे बताया था कि 5,200 करोड़ का वैल्यूएशन आज क्या है, 74,000 करोड़। तो हम तो देख रहे हैं कि इधर से अगर 100 कंपनियां आती है, यहाँ ही बैठे बैठे अगर 100 करोड़ का भी मार्केट कैप नेक्स्ट 3 साल में, तो आप सोचिए 10,000 करोड़ का मार्केट कैप जो है एड हो जाएगा। तो हमको चाहिए कि मैक्सिमम कंपनियां महाराष्ट्र से आए और यहाँ पर जितने भी हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं आगे बढ़े, कि कंजर्वेटिव माइंड से बाहर निकलना पड़ेगा, सबसे बड़ा पॉइंट है। अभी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि गली क्रिकेट खेल रहे हैं, गली क्रिकेट खेल के हम सोच रहे हैं कि बीसीसीआई में सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं हो पाएगा। तो आपको कौन सा फॉर्मेट में खेलना पड़ेगा सर, हेरा ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, आईपीएल, ये खेलेंगे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको पब्लिक देखेगी, विजिबल हो जाएंगे, पब्लिक इन्वेस्ट करती है, आप क्या होते हैं बीसीसीआई में जाता है। अभी रिसेंटली जयसवाल करके बंदा यही खेलता था शायद आजाद मैदान में, आज 100 टेस्ट सेंचुरी बनाया उस बंदे ने जाके। वेरी इंपॉर्टेंट है आपको गली क्रिकेट से बीसीसीआई में सेलेक्ट नहीं होगा, सेम चीज होता है कि निवेशक को उसको एक ही फॉर्मेट पता है, लिस्टेड फॉर्मेट, अनलिस्टेड में क्या हो रहा है, बैलेंस शीट में क्या तुम्हें पर उसको नहीं पता, उसको डर लगता है क्योंकि उसको एग्जिट भी नहीं है। यहाँ पे आपने लिस्ट कर दिया तो अगले दिन भी जाके बेच सकता और एग्जिट दे रहे हैं। अगर आपका फ्रेंड भी पैसा डालना चाहता है, पहला सवाल यही बोलेगा कि पहला पैसा कभी मिलेगा, तो आपने बोला यार मेरा कंपनी लिस्टेड है बीएससी में, आप कभी भी बेच सकते हैं, जिस तरह अलग जो भी स्टॉक्स ट्रेडेड है वैसे ही ट्रेड होगा, ऑटोमेटिकली वो पूंजी डालने के लिए रेडी हो जाए, आसान हो जाए। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको आगे बढ़ना है, इनिशिएटिव हमने ले लिया है, प्लेटफॉर्म लॉन्च है, सामने है, आगे हमको 4,000 कंपनी करना है नेक्स्ट 3 से 5 साल में, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा कंपनियां हैं, हमको महाराष्ट्र से ज्यादा कंपनी का लगेगा। आप लोग जितने भी एंटरप्रेनर हैं, जितने भी अगर कंसल्टेंट हैं, इंटरमीडिएट्स हैं, सीए हैं, सीएस हैं, जो भी आपने कंपनीज हैं, उनके पास ये मैसेज पहुंचाएं,
ताकि हमारा काम को थोड़ा जोर भी मिले और आपका सपोर्ट लगेगा। इसके साथ में मैं एसएमई के बारे में क्लोज करता हूं। स्टार्टअप प्लेटफॉर्म किया हमारा, हमने शुरू किया 2018 में, आज 14 कंपनी लिस्टेड है, 15 कंपनी आप देखेंगे कि नेक्स्ट एक डेढ़ महीने में लिस्ट हो जाएगी। अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है, रिकमेंडेशन हो गया, हम अप्रूव देंगे अभी मेबी इन वीक्स टाइम। तो उसमें क्या किया हमने कि 2018 में लॉन्च किया, 19 हमने काफी एग्रेसिवली प्रमोट भी की, उसके बाद ये 14 कंपनियां आई भी है, और 2-3 साल आपने भी देखा होगा कि कोविड में थे, उसमें भी हमने कोशिश की कंपनियां आए और काफी कंपनियां लिस्ट भी हुई है। तो इसमें हमने सिंपल क्राइटेरिया रखा हुआ है कि इसमें टेक बेस्ड कंपनी कर सकती है, आईटी, आईटीएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, समथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी इसमें लिस्ट हो सकती है, 3D प्रिंटिंग है, तो ये कंपनियां इस प्लेटफॉर्म में एक्सक्लूसिव लिस्ट हो सकती है। इसमें हमने क्राइटेरिया भी बहुत सिंपल रखा है, कंपनी 2 साल पुरानी होनी चाहिए। इसमें हमने नेट टैंजिबल एसेट्स का क्राइटेरिया नहीं डाला क्योंकि टेक्नोलॉजी कंपनी में ज्यादा एसेट्स, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती लैंड मशीनरी, इसलिए हमने 2 साल बोला है। कंपनी का नेटवर्थ हमने बोला है कि पॉजिटिव होना चाहिए, सेम एसएमई जैसा। कंपनी का DPIT अगर रजिस्ट्रेशन है, पॉलिसी इंटरनल ट्रेड में है, डायरेक्टर ऑफ पॉलिसी अगर है, तो 1 करोड़ का पेड अप कैपिटल नहीं चाहिए। जो पूंजी या सर्टिफिकेट अगर आप देखते होंगे प्राइवेट लिमिटेड में 1 लाख 10 लाख आपने डाल के शुरू किया होगा, उसमें 1 करोड़ रुपया चाहिए हमको पेड अप, अगर आपका DPIIT या स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो अगर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 10 साल पुरानी तो आप जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 1 करोड़ का पेड अप की जरूरत नहीं पड़ती। और कंपनी का वेबसाइट होना जरूरी है, जिस तरह हमने एसएमई में रखा, कंपनी को अगेंस्ट में कोई लिटिगेशन नहीं होना चाहिए, और कंपनी का जितना भी फाइनेंस अपलोड करने के लिए वेबसाइट को है, और कंपनी बोथ द प्लेटफॉर्म में डीमैट फॉर्म में ट्रेड होगा, जितने भी फिजिकल सर्टिफिकेट होंगे वो हम डीमैट फॉर्म में ही लेंगे और उसको कन्वर्जन लिस्टिंग से पहले करेंगे, उसके बाद ही कंपनी लिस्ट होगी। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कोई भी जगह पे केस नहीं चलना चाहिए, अगर कोई भी लिटिगेशन हो प्रमोट के अगेंस्ट में कंपनी के अगेंस्ट में, उसकी लिस्टिंग इस प्लेटफॉर्म में भी पॉसिबल नहीं होगी। तो वेरी सिंपल क्राइटेरिया है, 2 साल पुरानी, नेटवर्क पॉजिटिव होना चाहिए, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी होना चाहिए, वेबसाइट होना जरूरी है, नेटवर्क पॉजिटिव, कंपनी का शेयर डीमैट फॉर्म में ट्रेड होगा। ये सिंपल क्राइटेरिया रहते हैं, और बाकी जो भी मैंने आपको बताया जो प्लेटफॉर्म के बारे में, उसमें मैंने मार्केट मेकिंग बताया था आपको, सेम फॉर्मेट है इसमें भी, कंप्लायंस भी 6 मंथली या हाफ ईयरली सेम, और प्लेटफॉर्म जो है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एसएमई है, तो सेम टू सेम क्राइटेरिया इसमें हो रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां पे भी आपको दिक्कत आती है, आनंद चारी BSE SME का साइट पर देख सकते हैं, मेरा नंबर अवेलेबल है, आप कॉल करें या व्हाट्सएप कर दें, यू कॉल यू बैक एंड गेट द थिंग्स सॉर्टेड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आज के तारीख में लास्ट तक मैंने करीब करीब 12:30 तक किसी ना किसी का कॉल आया रात को, तो भी मैंने अटेंड करके अगले दिन सुबह सॉल्व करके दिया। डोंट वर्क वरी एट ऑल कि ये काम होगा, कल प्रॉब्लम है, ये कोई टेंशन मत लीजिए, पूरी तरह से आपको हैंड होल्डिंग होगा BSE SME की तरफ से, फैसिलिटेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे एडवाइजर जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसमें लास्ट 11 साल में, आपका काम आसान से होगा, आपको खाली एक ही काम करना है, डिसीजन लेना कंपनी को लिस्ट करने की। तो थैंक्स, ये तो पहली बार बोलूंगा कि थैंक्स टू ऑल द ऑडियंस जो आज जुड़े हैं यहाँ के लिए, काफी कीमती टाइम निकाल के फैमिली से दूर आए हैं। तो फर्स्टली मैं अभी सवाल करूंगा, आपको जवाब देना है, तो फास्टेस्ट ग्रोइंग एसोसिएशन इंडिया में कौन सा आपको पता है? तो सबसे ज्यादा कंपनियां मेन बोर्ड में कहां लिस्टेड है? अभी कंपनी एसएमई के बारे में हम बात कर रहे थे, आपका कंपनी कहां लिस्ट करेंगे आप? काफी कम लोग बोल रहे हैं BSE तो आ रहे हैं, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आगे बढ़िएगा, हमारी तरफ से जितना भी सपोर्ट और आपको फैसिलिटेट करने के लिए मिलेगा हम करना चाहेंगे, खाली आपका डिसीजन एक ही होगा कि आगे बढ़ के आपका बैलेंस शीट साथ में लेके आए। आई सिट ऑन द 17th फ्लोर ऑफ PJ टावर, जो बिल्डिंग आप नॉर्मली सभी चैनल्स में देखते होंगे, प्लीज आइए, अमित बागवे जी हैं और मी मुझे जो बोला कंपनी के सपोर्ट कर रही है उनके साथ आइए, हम आपको वेलकम करना चाहेंगे, और जितने भी हैं आपके प्रॉब्लम्स है पेन पॉइंट्स है उसको एड्रेस करेंगे, उसके बाद कंपनी लिस्टिंग करने का पूरी तरह से हम ये करने की कोशिश करेंगे। विद दिस थैंक्स वंस अगेन टू ऑल द ऑडियंस। Thank you.